हेलो दोस्तों, स्टडी फाइल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल। मैं बताऊंगा कि मैं अपनी पढ़ाई कैसे करता था। आज मैं आपको बताऊंगा इस लॉकडाउन में पढ़ाई के टाइम को कैसे मैनेज करें। मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट की पढ़ाई में भी लॉकडाउन लग गया है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको पढ़ाई को लेकर मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी स्टूडेंटों को लग रहा है कि अभी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा, क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है काफ़ी स्टूडेंटों का पढ़ाई पे से मन बिल्कुल हट चुका है। उन्हें लग रहा है कि जब एग्ज़ामिनेशन का कोई कंफर्म ही नहीं है, अता पता ही नहीं है, तो पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। मैं कहता हूँ यही सबसे अच्छा मौका है दूसरों से आगे निकलने का। आप सोचेंगे कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट यह है कि बाकी स्टूडेंट नेटफ्लिक्स, प्राइम, पबजी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो नए सिरे से शुरू करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी मदद सिर्फ हम खुद ही कर सकते हैं। अगर जो आप आज नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। दूसरा पॉइंट यह है कि इस टाइम पढ़ाई में कम डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि हमें ज़्यादातर टाइम घर में ही रहना है। बाहर से सामान लाना बंद ही है। पहले 4 बार जाते थे, अब 1 बार जा रहे हैं। और दोस्तों से मिलना बंद, पहले 2 घंटे बात करते थे, अब सिर्फ आधे घंटे बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको अपने अनुसार टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। नहीं बनाते हो फिर भी आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है तो। तीसरी बात, कई बच्चे पढ़ते वक्त ये बोलते थे कि यार शांति नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है बाहर, रोडों पे गाड़ी चल रही है, हॉर्न की आवाज़ है। तो इसमें इस टाइम शांति का माहौल है। अच्छी पढ़ाई के लिए शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बाइकों का शोर नहीं, गाड़ियों की कम आवाज़ आना वगैरह वगैरह। फैक्ट्री भी बंद है, कईयों का घर फैक्ट्रियों के आसपास, रोड़ों के पास होते हैं, तो वहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ। एक कोट है, वो सब रातें अपना कर चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं। तो आप इस मोटिवेशन के साथ पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए रूटीन के बारे में जान लें, रूटीन कैसे बनाएं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कई बच्चे रूटीन पहले दिन वीडियो देखते हैं मोटिवेशन वाली और रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं। वो रूटीन बना भी लेते हैं लेकिन फिर उसे फॉलो नहीं कर पाते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाता है। मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ जो रूटीन फॉलो नहीं करते। देखिए, लाइफ में रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कोई ऐसा कोई रूटीन नहीं बताऊँगा कि आपको सुबह उठकर ये करना है, फिर शाम को आपको ये करना है। मैं आपको सिंपल, बहुत ही इजी तरीके बताऊँगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाई करते वक्त और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। देखिए, रूटीन आप अपना खुद ही बना सकते हो। अगर नहीं बना सकते तो ये फॉलो करो, 100% इम्प्रूवमेंट दिखेगी। स्टूडेंट की पढ़ाई में सबसे पहले ये रुकावट आती है कि वो किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाते। जो भी स्टार्ट करते हैं बीच में छूट जाता है। जो पढ़ते हो, जैसे मैथ के चैप्टर, इंग्लिश में ग्रामर और भी बहुत कुछ, आप पढ़ाई को लेकर अपना टारगेट सेट कर लें। तो यह है पहला पॉइंट कि आपको क्या करना है। पढ़ाई को लेकर आप अपना टारगेट सेट कर लें। जो भी पढ़ें उसे एक बार में पढ़ने की कोशिश ना करें। इससे 1, 2, 3, 4 दिन तक जोश रहेगा, उसके बाद मन ही नहीं करेगा। इसलिए जो भी पढ़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात, ज़्यादातर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ने बैठते हैं तो चाहे वो अच्छा हो या थोड़ा बोरियत, उसमें आपको नींद आने लगती है। तो इस हालात में आपको क्या करना है, जब भी आपको नींद आए तभी आप उठकर थोड़ी देर घर में ही चलना स्टार्ट कर दें, या आपने बरामदे के अंदर घूमें, थोड़ा बाहर की तरफ देखिए। ठीक है, या आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिविटीज़, जैसे किचन के अंदर कुछ खा सकते हो या फ्रीज में से कुछ भी खा के
दोबारा से पढ़ने बैठ सकते हो। इससे आपको जो नींद है वो भाग जाएगी और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं यही रूल फॉलो करता था। तो इसके रूल फॉलो करने के बाद तभी मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, बी ग्रुप ऑफिसर। जब आप ये सब कर लें फिर नाइट में आपको क्या करना है कि अपने डेली रूटीन में आप एक दो घंटे की ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको अच्छा फ्रेश लगे कि हाँ मैंने ये करके अपने माइंड को फ्रेश किया है। तो वो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो डेली रूटीन में। जब आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई करने के बाद आपको ये भी ना लगे कि कितना डे बोरिंग हो चुका है कि मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उसमें आप क्या करो, एक दो घंटे के कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको फ्रेश लगे, ठीक है। वो आप ही जानते हो, यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि ये आपको ये कर लेना है या आपको डांस कर लेना है, सिंगिंग कर लेनी है, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है फोर्थ, रिटेन। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको रिटेन करना, रिटेन का मतलब आपको अपने दिमाग के अंदर कितनी देर तक रहता है, वो कितने दिनों तक रहता है, वो इम्पोर्टेंट है। और रिटेन जो आता है वो आता है रिवीजन से, आप समझ रहे हैं। रिवीजन जो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि रिवीजन क्यों किया, क्यों करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो ये जो ग्राफ है ये है फॉरगेटिंग कर्व, इसे इविंगस कर्व भी बोला जाता है। आप देख रहे हैं कि जो वाई एक्सिस है वो रिटेंशन है, जो दिखा रहा है आपको कितने परसेंट आप याद रख सकते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उस पर डेज दे रखे हैं जो 0 से लेकर 7 तक दिखाए गए हैं। इसे आप वीक भी मान सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर आपको कितना याद रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 100% जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है कि आपने पहली बार याद किया किसी चीज़ को, जब आप पहली बार याद करेंगे उसी दिन तो आपको 100% याद होगा। जैसे जैसे डे बढ़ता चला जाएगा पहला दिन आएगा, जब पहला दिन आएगा तो आपको वही चीज़ 80% पे आ जाएगी। जो ब्लू कलर आ रहा है वो आपको सिर्फ कितना रिटेन रहेगा, आपको 80% रिटेन रहेगा। फिर जब आप उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे तो वही आपको फिर नेक्स्ट थर्ड डे याद रहेगी। फिर आप दोबारा उसे थर्ड डे पर रिवाइज़ करोगे तो फिर वो आपको 6th डे रिवाइज़ रहेगी। तो ये कर्व यही बताता है कि आप जब पहले दिन याद करते हो तो आपको 100% तो याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे डे बढ़ते चले जाते हैं, पहला दिन दूसरा दिन जैसे निकलते रहते हैं, तो आपकी जो रिटेंशन पावर है, जो आपने याद किया है, वो क्या होता रहता है, उसकी परसेंटेज कम होती रहती है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को वीडियो को साइन ऑफ करने से पहले मैं आपको एक कोट और सुनाना चाहता हूँ, इसको याद रखिए। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। ये एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, इसका मतलब है कभी भी धीरे धीरे बढ़ने से ना डरो। डरो किससे, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्लियर। कि आप चीज़ों को स्टार्ट तो करो एटलीस्ट, चाहे वो धीरे धीरे करो। इससे पता चलता है कि आप उन चीज़ों पे एक्शन ले रहे हो, और वो चीज़ें फिर आपकी 0% से कहीं ना कहीं 50% फिर 100% आपको दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा। लेकिन आप उस चीज़ पे काम ही नहीं करते तो वो हमेशा 0% ही रहेगा। तो ये चाइनीज़ प्रोवर्ब यही बताना चाहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।